इधर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में क्यों है उत्तर कोरिया? अब अमेरिका ने अपनी कौन सी सबमरीन को समंदर में उतारा है? ताइवान ने चीन को क्यों कहा गेट लॉस्ट? वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज क्या है? आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए क्या नया ऐलान हुआ है? देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 देश दुनिया में। उत्तर कोरिया सत्ताधारी पार्टी की वर्षगांठ के मौके पर आज दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। शक्ति प्रदर्शन के लिए उत्तर कोरिया सैन्य परेड करेगा। इस सैन्य परेड में उत्तर कोरिया अपने नए और शक्तिशाली मिसाइलों को पेश करेगा। इससे पहले 2017 में उत्तर कोरिया के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। अमेरिका ने ओहिया क्लास की अपनी क्रूज मिसाइल सबमरीन USS जॉर्जिया को हिंद महासागर में भेजा है। 560 फुट लंबी सबमरीन जॉर्जिया परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। अमेरिका की यह सबमरीन जमीन पर हमला करने में सक्षम 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। ताइवान आज अपना नेशनल डे मना रहा है। नेशनल डे में शामिल होने के लिए ताइवान ने भारत का शुक्रिया कहा। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत से कई दोस्त ताइवान नेशनल डे के जश्न में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इस अद्भुत समर्थन से हम खुश हैं। अमेरिका में ताइवान को धमका रहे चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग हो रही है। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारियों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो ताइवान को F-35 फाइटर जेट्स मुहैया कराए। ताइवान के पास फिलहाल अमेरिकी F-16 फाइटर जेट का बेड़ा है। कोरोना संक्रमण के इलाज के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर चुनावी मोड में आ गए। ट्रंप सोमवार को फ्लोरिडा में रैली करेंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ट्रंप कोरोना नेगेटिव हुए हैं या नहीं। सीरिया के कई इलाकों में भीषण आग लगी हुई है जिसका धुआं धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोगों ने हाथापाई भी की है। आग इतनी भीषण है कि कई किलोमीटर तक आकाश में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। नवरात्रों को देखते हुए वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। पहले 4,000 स्थानीय और 1,000 बाहरी यात्रियों को ही दर्शन की इजाजत थी, लेकिन अब इस शर्त को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि सभी किसानों का फसल बीमा निशुल्क किया जाएगा। जो किसान अपने क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल के जरिए ईकॉर्प सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। इसके बाद उनका प्रीमियम सरकार भुगतान करेगी। भारतीय वायुसेना के 2 जाबाजों ने लेह के सबसे ऊंचे स्थान से स्काई डाइविंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। विंग कमांडर गजानन यादव और वारंट अफसर AK तिवारी ने लेह में C-130J विमान से स्काई डाइविंग कर 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला दर्रे में उतरे थे। आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर, सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी